चालक कहते हैं। जैसे जैसे शुद्ध जर्मेनियम तथा सिलिकॉन, जैसे शुद्ध जर्मेनियम तथा सिलिकॉन करोड़ों की संख्या में ये इलेक्ट्रॉन एक जर्मेनियम परमाणु में है, कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है।
दो तरीके का आवेश हो गए, दो तरीके का आवेश हो गए,
भाग दो प्रकार के होते हैं, ऋणादेशित इलेक्ट्रॉन तथा धनादेशित प्रोटॉन। ये हमें लिखना है पोटर पोटर बोल रहे हैं, ये पोटर का मतलब क्वार्टर नहीं है, कभी कहूँगा समझो पोटर है। पोटर का मतलब होता है कि जब कभी भी कभी सेना वेना में जब भर्ती हो जाते हैं ना, तो जितने भी सैनिक होते हैं ना पोटर दिए जाते हैं, भाई तुम्हारे रहने का क्वार्टर पोटर ये है। तो पोटर क्या होता है, एक जगह स्थान होता है जहाँ तुम रह सकते हो, वो वाली जगह खाली स्थान जगह में वो पोटर होता है। कहते नहीं वो इतने इतने पोटर बने हुए ना सुना नहीं, दिखाई भी दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन भी गति कर रहे हैं।
अब एक और काम की बात सुनो, ये चीज तो तुम्हें बता दी। देखो सर, हेड क्वार्टर ईस्ट की दिशा में गति करते हैं और ऋणावेश का मतलब इसको इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ईस्ट की विपरीत दिशा में गति करते हैं, विपरीत दिशा में गति करते हैं। अब थोड़ा चीजें बताएं, क्वार्टर जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करते हैं और इलेक्ट्रॉन जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में विपरीत होते हैं, दिशा को गति यही दिखाओ। क्वार्टर विपरीत देती है, क्वार्टर जो है वो दिशा में गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में गति करेंगे। अब हमारी साइकोलॉजी सुनो, हमारी साइकोलॉजी ये है कि, और ये मैंने पहले ही बताया होगा कि विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो किनके कारण होता है, केवल इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, स्थानावेश अपना स्थान ही नहीं छोड़ता। याद रखना, स्थानावेश, स्थानावेशित आयन, स्थानावेशित वस्तु, स्थानावेशित कोई भी चीज़ है वो अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, वो कहीं नहीं जाते, वो जहाँ है वो वहीं बैठे रहते हैं। फिर उसको गति जो करते हैं इलेक्ट्रॉन करते हैं, तार में जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों का होता है और पता नहीं 50 काम वो लिखवा देते हैं कि चुंबक के क्षेत्र रंग ये वो अटना कदम ऑक्सीजन संयोजकता, वो सब इलेक्ट्रॉनों कारण होती है, अभिक्रिया इलेक्ट्रॉनों कारण होती है, दुनिया के सारे काम इलेक्ट्रॉनों कारण होते हैं। और ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जब बने हैं तो उसके विपरीत कोई चीज नहीं बनेगी, जब जब कोई इलेक्ट्रॉन बनता है उसके विपरीत चीज जरूर बनती है। अगर कहीं इलेक्ट्रॉन कोई मुक्त होता है तो परमाणु का क्या बन जाता है, स्थानावेशित आयन बन जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से जा रहा है तो अपने स्थान पर कुछ ना कुछ छोड़ता है, जैसे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो कोटर छोड़ गया, अगर पूरे परमाणु में से बाहर निकल जाएगा ना तो आयन बना देगा परमाणु में, तो इलेक्ट्रॉन अपना विपरीत आवेश तो जरूर छोड़ के जाते हैं, लेकिन वो जो विपरीत आवेश छोड़ गया था वो कहीं गति नहीं करता, वो वहीं रहता है। अब बात अभी देखो कितनी गलत हो गई है, अभी मैंने बोला कर कोटर जो है वो कहीं गति नहीं करता, क्या तुम्हें जाता हुआ दिखाई देगा, तो बताया था कोटर जा रहा है। तो अब देखो इसके अंदर का विज्ञान क्या है, अंदर का विज्ञान क्या है, अंदर का विज्ञान यह है, अंदर का विज्ञान यह है कि जैसे कोई तय समय बंद टूटा इलेक्ट्रॉन तो मुक्त होकर चला गया अपना अपने स्थान पर कोटर छोड़ गया, तो जैसे वो कोटर छोड़ कर जाता है उसी समय उसके निकटवर्ती जर्मेनियम का एक इलेक्ट्रॉन इसे आगे उदासीन कर देता है, इसके स्थान पर बैठ जाता है। अब दोस्तों ये वाला इलेक्ट्रॉन को जमीन में इलेक्ट्रॉन ये वाला इसके स्थान पर आके बैठ गया, तो ये जब इस पर आगे बैठ गया तो ये तो ये हो गया, अब ये जब आगे होगा तो ये अपने स्थान पर कोटर छोड़ कर जाएगा, ऐसे जब यहाँ क्वार्टर बन गया तो उसके निकट वाला सिर्फ निकट वाला ये काम करता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, नीचे वाला कर सकता है, ऐसे नहीं कि इधर छोड़कर कोई दूसरे वाले का आ जाएगा, उसका निकटवर्ती जर्मेनियम परमाणु का कोई एक इलेक्ट्रॉन उसके स्थान पर आ जाता है, उसे उदासीन कर देता है और अपने खुद के स्थान पर क्वार्टर बना देता है। वैसे इसमें से कोई सा भी एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो यहाँ जाएगा, ये आ गया और कहाँ से आ गया, और खुद ये वाला आएगा तो अपने स्थान पर, तो देखने में ऐसा लगेगा कि क्वार्टर इधर चलने लगे और इलेक्ट्रॉन जो वो देखने में हर किसी को ऐसे लगेगा कि क्वार्टर जा रहा है, लेकिन क्वार्टर नहीं जा रहा होता है, दरअसल क्वार्टर तो अपने जगह स्थिर रहता है, इलेक्ट्रॉन तो वहीं आकर उदासीन करता है, तो इलेक्ट्रॉन किधर की ओर चलने लगे सर, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चलने ना, इधर से इधर चलने, तो इलेक्ट्रॉन भी क्वार्टर की विपरीत दिशा में गति करते हैं, जबकि क्वार्टर गति तो नहीं करते, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि क्वार्टर भी क्वार्टर की दिशा में गति करते हैं। इस तरीके से किसी भी आवेश चालक में दो आवेश वाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन तथा क्वार्टर, सामान्य परिभाषा यही है कि इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं और क्वार्टर विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करते हैं, और ये कॉन्सेप्ट मैं इतनी बारीकी से बता रहा हूँ क्योंकि पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर के अलावा तुम्हें तीसरी कोई चीज़ नहीं मिलेगी, पूरे उसमें इलेक्ट्रॉन क्वार्टर के आगे करेंगे, कभी हम इसे अग्रगति करेंगे मतलब धनावेश से जोड़ेंगे, कभी धनावेश से जोड़ेंगे, कभी दो बैटरी से जोड़ेंगे, कभी इसे ट्रांजिस्टर बनाएंगे, कभी डायोड बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन और क्वार्टरों का ही काम है, उनका कॉन्सेप्ट वही से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है जी। तो ये तो तुम चित्र बनाओगे और यही जर्मेनियम या सिलिकॉन में कोई
शायद मेरा जब मन टूटता है त्रिकोण में, कोई शायद मेरा मन टूटता है तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं तो कर लेते हैं, जब जब कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है मुक्त होता है तो वह अपने स्थान पर पोर्टर कहते हैं, इसे पोर्टर कहते हैं। किसी पिक्चर में मुख्य इलेक्ट्रॉनों, किसी पिक्चर में मुख्य इलेक्ट्रॉनों तथा पोर्टरों संख्या समान रहती है। क्षेत्र की दिशा में गति करते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करते हैं। होते हैं
जाते हैं। यह क्रिया डॉटिंग या अपमिटेड कहलाती है। और अर्धचालक बाह्य अर्धचालक कहलाता है। और अर्धचालक बाह्य अर्धचालक कहलाता है। यह दो प्रकार के होते हैं एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक। पहला वाला है अर्धचालक। अर्धचालक हम बना रहे हैं। आंसर है इनसे तो कहते हैं निगेटिव से याद रखना, निगेटिव चार्ज बने रहती है। अब मतलब इससे तो याद भी नहीं रखना है एग्जाम में। अगर हमारे पास कोई उत्तर नहीं है तो टेलीफोन पर लिख सकते कोई जर्मेनियम का रिजल्ट। अब जर्मेनियम के रिजल्ट में इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं, लेकिन अभी इसमें होता क्या है, डोपिंग कहलाई जाती है। डोपिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें से कोई से भी इसके पूरे पूरे क्रिस्टल में एक जर्मेनियम परमाणु हटा दिया जाता है। और उसके स्थान पर कोई पांच संयोजकता वाली अशुद्धि मिला दी जाती है। पांच संयोजकता वाली अशुद्धि कौन सी होती है? फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी, एंटीमनी। इनमें से कोई एक अशुद्धि मिला है। पांच संयोजकता वाली अशुद्धि मतलब अंतिम कक्षा में पांच इलेक्ट्रॉन, यानी पांच संयोजकता वाली। सिर्फ या तो तीन वाली मिलाएंगे पांच वाली, क्योंकि चार संयोजकता या तो उससे ज्यादा करेंगे या कम करेंगे। तो जब ज्यादा वाली अशुद्धि मिलाई जाती है तो एन टाइप अर्धचालक बनते हैं, जब तीन वाली मिलाई जाती है तो पी टाइप अर्धचालक बनते हैं। अब इसमें होता क्या है कि फास्फोरस हमने इसमें मिला दिया। अब फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन होते हैं पांच। तो चार इलेक्ट्रॉन तो निकटवर्ती होते हैं, अपना बंध बना लेते हैं, लेकिन
एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का शेष रह जाता है जो आधे बाहर तक आधे सकता है। आधे बाहर मुक्त इलेक्ट्रॉन यही पूरे सर्किट में पूरे परिपथ में घूमता रहेगा। सामान्य लैंग्वेज में तुम इसे आवारा इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो। घूमता रहेगा ये नहीं रुकेगा, ये तुम्हारी अपनी लैंग्वेज है, यही है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो देखो सर क्या परिभाषा लिखने वाले हैं हम कहेंगे जब किसी शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में कोई पांच संयुक्त वाली अशुद्धि जैसे कि फास्फोरस आर्सेनिक एसिड मिला देते हैं तो उसकी चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण बढ़ जाती है। इस प्रकार के अधिचालक को एन टाइप अधिचालक कहते हैं। अब उसके नीचे को फिर सवाल व्याख्या करेंगे जिस प्रकार यह होता है कि जब किसी क्रिस्टल में कोई एक परमाणु के स्थान पर कोई एक जर्मेनियम परमाणु के स्थान पर जब कोई एक फास्फोरस परमाणु इंजेक्ट किया जाता है मतलब उसमें डाला जाता है तो क्योंकि फास्फोरस के अंतिम कक्षा में पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं अतः फास्फोरस के चार इलेक्ट्रॉन तो निकटवर्ती जर्मेनियम परमाणु से तय करके पंद बना लेते हैं जबकि एक इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है जो आवेश बाहर तक आ जाता है। ये सारी बातें हम देखने वाले हैं अगली बार में इसमें कोई हम तीन संयुक्त वाले बुला देंगे तो वो एफ टाइप का निकाल हो जाएगा एन टाइप का। तो अब रुक जाओ पहले जो है तुम उसकी तीन चार लाइन में परिवार का लिखोगे तो याद करेंगे उससे पहले परिवार का लिखेंगे एन टाइप का लेकिन जब किसी एक और बात समझो जरा जिसमें बार बार भैया अशुद्धियों का नाम आ जा रहा है कि हम उसमें अशुद्धि मिला जा रहे हैं अशुद्धि समझ लो अशुद्धि का मतलब है कि जर्मेनियम है वो सस्ती है सस्ता मिलता जाता है महंगा नहीं है। अगर हम इसमें सोना भी मिलाएंगे ना तो वो सोना अशुद्धि ही कहलाएगा। ये मत सोचना कि अशुद्धि है तो कोई गंदी उंदी चीज मिला दी होगी, ये अशुद्धि से दिमाग में ये मत रखना कोई गाढ़ा कीचड़ वगैरह को डाल दिया होगा। अशुद्धि का मतलब होता है कि किसी भी शुद्ध पदार्थ में अगर हम कोई नया पदार्थ मिलाते हैं ना वो अशुद्धि कहलाते हैं। तो अशुद्धि को गलत मत समझो लेकिन नहीं समझ रहा सोना भी मिलाएंगे वो अशुद्धि कहलाएगा। जब किसी शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन जब किसी शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन सिलिकॉन क्रिस्टल में कोई पांच संयोजकता वाली अशुद्धि जैसे फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी एंटी मिलाई जाती है आदि मिलाई जाती है तो उसकी चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण बढ़ जाती है। अधिकारकों को
बारे में बनने वाले शिक्षक की तुलना में कुछ भी नहीं है। पढ़ाना तो भी वगैरह जब वो पढ़ते हैं तो उन्हें इतने ढंग से कितना जब किसी शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में अरे इसमें लिखना भी इसकी व्याख्या तो करो जब किसी किसी चित्र की व्याख्या कर रहे हैं दो तीन लाइनों में लिख लो जब किसी शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में पांच संयोजकता वाली अशुद्धि शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में पांच संयोजकता वाली अशुद्धि जैसे पांच थोड़ा अब हम आगे फालतू चीजें बता रहे हैं जो चित्र में वही बता रहे हैं जब किसी शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में बार बार में उनको कहते हैं क्रिस्टल में कोई पांच संयोजकता वाली अशुद्धि जैसे फास्फोरस मिलाई जाती है तो फास्फोरस एक जर्मेनियम परमाणु को विस्थापित करके एक जर्मेनियम परमाणु को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है और निकटवर्ती चार जर्मेनियम परमाणुओं के साथ और निकटवर्ती चार जर्मेनियम परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बना लेता है और निकटवर्ती चार जर्मेनियम परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बना लेता है परंतु फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है जो आवेश वाहक का कार्य करता है